हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 से, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो बच्चों पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे चैप्टर्स के वहाँ पे आपको लिंक मिलेंगे। वहाँ जाके आपको लीनियर इक्वेशंस इन एनसीईआरटी वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एनसीईआरटी का लिंक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्लेलिस्ट पूरा आपको मिल जाएगा। इसके पहले के पूरे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और एक चीज़ और, आप YouTube पे सर्च करिए 2PI Pi क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप सर्च करो YouTube पे, यहाँ पर आपको 9th क्लास टू 12th क्लास का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो आपके घर में क्या पता कोई बड़ा भाई बहन हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 79 लेते हैं बच्चों। राधा टेक सम फ्लावर इन अ बास्केट एंड विजिट 3 temples वन बाय वन। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट। इफ शी लेफ्ट विथ 3 flowers एट द एंड, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन द बिगनिंग, ठीक है। देखिए, राधा नाम की कोई फीमेल है, उसके पास कुछ फ्लावर्स हैं। अब कितने फ्लावर्स हैं ये हमें नहीं पता, तो लेट अस अज्यूम राधा हैज एक्स फ्लावर्स। माना कि हमने अज्यूम कर लिया बच्चों कि राधा के पास कितने फ्लावर्स थे स्टार्टिंग में जब वो टेंपल गई। कितने टेंपल गई? 3 temples, ओके, वन बाय वन। तो स्टार्टिंग में उसके पास एक्स फ्लावर्स थे। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि राधा विजिट 3 temples वन बाय वन। एट ईच टेंपल शी ऑफर्स 1/2 ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट, ठीक। इसके बास्केट में कितने फ्लावर हैं अभी? एक्स फ्लावर है, ठीक। और ये बास्केट बना लेते हैं और इसके बास्केट में भी एक्स फ्लावर है और ये वन बाय वन 3 temples जाती है। और जब भी किसी भी टेम्पल में जाती है, फर्स्ट टेम्पल में जाएगी, हाफ फ्लावर वहाँ पे दे देगी, चढ़ा देगी भगवान को, ठीक। फिर नेक्स्ट टेम्पल में जाएगी, फिर से हाफ दे देगी, फिर नेक्स्ट टेम्पल में जाएगी, फिर मतलब इसकी बास्केट में जितने बच जाते हैं फ्लावर उसका हाफ ये मंदिर में चढ़ा देती है। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब है। डायग्राम से अभी आपको समझ में आएगा, वेट करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब वो अपने घर से निकलती है तो उसके पास एक्स फ्लावर्स हैं। कितने फ्लावर्स हैं इसकी बास्केट में? एक्स फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पे टेम्पल बना लेते हैं बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए और आप भी मेरे साथ साथ करना। सपोज ये टेम्पल है इस तरीके से, ठीक, ये आपका फर्स्ट टेम्पल है। अब राधा फर्स्ट टेम्पल गई, क्या करेगी? इसके पास कितने हैं बच्चों? इसके पास अभी एक्स फ्लावर्स हैं, ठीक। तो ये क्या करेगी? एक्स का हाफ यहाँ पर चढ़ा देगी इस टेम्पल में, ठीक। तो हाफ ऑफ एक्स कितना होता है चेक करिए, हाफ ऑफ एक्स। इसके पास टोटल एक्स फ्लावर्स है ना, सो हाफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, एक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करो। हाफ का मतलब पता है आपको? 1/2। हाफ का मतलब 1/2, ओके। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? एक्स को। यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू एक्स। कितना होता है बच्चों? एक्स इंटू 1x हो जाएगा और अपॉन में 2x/2। ध्यान दीजिए, उसके पास एक्स फ्लावर्स थे, ठीक, और उसने मंदिर में कितने चढ़ा दिए? एक्स का हाफ। एक्स का हाफ कितना होता है? x/2। यानी कि मंदिर में उसने कितने फ्लावर चढ़ा दिए? x/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब राधा आगे चलेगी नेक्स्ट मंदिर के लिए, सेकेंड मंदिर के लिए, ठीक। अब राधा की बास्केट में कितने फ्लावर्स बचेंगे ये आपको दिमाग लगाना है। ध्यान से सुनिए बच्चों, राधा की बास्केट में अब कितने फ्लावर्स बच जाएंगे, सुनिए ध्यान से। एक्स फ्लावर थे, ठीक, एक्स में से हाफ उसने चढ़ा दिए, तो कितने बचेंगे? x माइनस x/2, यही तो होंगे ना। नाउ रिमेनिंग फ्लावर्स, और देखिए सीधी सी बात है, अगर हाफ फ्लावर्स ने चढ़ा दिए तो हाफ ही तो बचेंगे भाई। x/2 चढ़ा दिए, x/2 बचेंगे। फिर भी आप निकाल के दिखा दो ना उनको, कैसे निकालोगे? x टोटल थे, x में से x/2 इस मंदिर में चढ़ा दिए, अब इसकी बास्केट में कितने बचेंगे? टोटल में से x/2 को माइनस करेंगे, टोटल x था और x/2 मंदिर में चले गए। सो x माइनस x/2, ठीक, कितना हो जाएगा? x माइनस x/2। अब इसके पास कितने फ्लावर्स बच गए? इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस x/2 का क्या मतलब है? देखिए, x माइनस x/2 का क्या मतलब है? x को आप क्या लिखोगे? x/1। भाई x के नीचे कोई नंबर नहीं, 1 अज्यूम करेंगे, माइनस x/2, ठीक। सॉल्व करिए, 2 और 1 का एलसीएम कितना लोगे? 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 को 1 से डिवाइड करिए, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा,
2 को x से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 इंटू एक्स, फिर माइनस एलसीएम कितना है 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स, सॉल्व करिए 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 इंटू एक्स एक्स बाय 2। अब 2x माइनस x क्या होता है, x x बाय 2 बच गया कि नहीं बच गया, यही बात मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था कि भाई x का हाफ अगर मंदिर में चला गया तो x का हाफ ही तो उसकी बास्केट में बचेगा। और निकालने का दूसरा तरीका है कि x माइनस x बाय 2 कर दो। तो जब आपने क्या किया, x माइनस x बाय 2 किया तो वापस से आपको क्या मिल गया, x बाय 2, यानी कि x माइनस x बाय 2 कितना आ गया, x बाय 2, यानी कि अब उसकी बास्केट में कितने फ्लावर्स बचे हुए हैं, x बाय 2। इतना नोट करिए बच्चों, मैं रब कर दूंगा फटाफट, नोट करिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है ये वाला, इधर नोट कर लीजिए सारा। अब देखो जिसको नहीं सॉल्व करना आ रहा है ना, आप ऐसे कर लो ना, यहां से देखो x कॉमन ले लो, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में x है, x कॉमन ले लेंगे, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1 माइनस, यहां से x चला गया 1 बाय 2 बचेगा, यहां ऐसे भी आप कर सकते हो, चेक कर लो 1 माइनस 1 बाय 2 कितना होता है, x ऐसे ही रहेगा, और 1 में से 1 बाय 2 माइनस करोगे 1 बाय 2, और 1 बाय 2 इंटू x कितना आ जाएगा, x बाय 2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हो, ठीक। चलिए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि x फ्लावर थे, x बाय 2 मंदिर में चले गए, तो उसकी बास्केट में कितने बचेंगे, x बाय 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक, मतलब अब राधा की बास्केट में कितने फ्लावर है, x बाय 2। अब ये सेकेंड मंदिर जाएगी, सेकेंड टेम्पल में गई है, ये सेकेंड टेम्पल है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसके पास जितने फ्लावर है ना बास्केट में, इसमें से ये फिर से हाफ यहां पर चढ़ा देती है, मंदिर में ऑफर कर देती है, ठीक, ऑफर करना मतलब भगवान को चढ़ा देती है, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, यानी कि इसका अब आपको फिर से हाफ करना है भाई, x बाय 2 का हाफ करना है, और किसी भी क्वांटिटी का हाफ करने का मतलब है उसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ हाफ ऑफ x बाय 2, हाफ ऑफ x बाय 2 इज इक्वल्स टू, कुछ नहीं करना है, ये x बाय 2 है ना, इसका हाफ, हाफ करने का मतलब है इसको 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक। हाफ किसी भी क्वांटिटी का करना हो ना तो उसको हमेशा 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो x इंटू 1 क्या होता है, x बाय 2 इंटू 2 4, ठीक है भाई, x इंटू 1 x, 2 2 4 x बाय 4। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, x बाय 2 में से इस बार मंदिर में x बाय 2 का हाफ जब आपने किया, भाई क्वेश्चन में बोल रहा है ना, हर एक बार उसकी बास्केट में जितने भी फ्लावर है उसका हाफ कर दो, जितना आता है इसका हाफ वो मंदिर में चढ़ा देती है। तो x बाय 2 का हाफ कितना आया, x बाय 4, भाई चेक कर लो x बाय 2 का हाफ कितना है, x बाय 4, तो x बाय 4 चला गया मंदिर में, सेकंड टेंपल में। अब बताओ इसकी बास्केट में कितना फ्लावर बचा, टोटल कितना था, x बाय 2, x बाय 2 में से x बाय 4 कहां चला गया, मंदिर में, तो रिमेनिंग कितना बचा, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, नाउ रिमेनिंग, नाउ रिमेनिंग नंबर ऑफ फ्लावर्स इज गिवन बाय, सिंपल सा फंडा बच्चों, करना कुछ नहीं है, x बाय 2 में से x बाय 4 माइनस कर दो, ठीक। सो x बाय 2 माइनस x बाय 4, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व करना आता है, देखो एक तो सीधा सा है फंडा, क्या कर लो आप, x बाय 2 का हाफ कर दिया, कितना है, x बाय 4, x बाय 4 वहाँ चला गया, तो उसकी बास्केट में x बाय 4 ही बचेगा भाई, हाफ ही तो बचेगा, x बाय 2 का हाफ ही तो बचेगा। फिर भी अगर आपको करके दिखाना है तो आप करके दिखा दो कि भाई x बाय 2 में से x बाय 4 चला गया तो कितना बचा, x बाय 2 माइनस x बाय 4। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ अलग से, और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, देखिए x बाय 2 माइनस x बाय 4 क्या करेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, x इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा। नाउ 2x माइनस x क्या होता है, x होता है, सो x बाय 4 आ गया, देख लीजिए, यानी कि अब इसकी बास्केट पे कितना फ्लावर बचा, ये इसकी बास्केट है और इसकी बास्केट में x बाय 4 फ्लावर यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नाउ रिमेनिंग फ्लावर कितने हो गए, x बाय 4, नोट करिए फटाफट, इतना उधर का मैं रब कर दूंगा क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना है, नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, ठीक। अब सुनो, अब सेकंड टेंपल भी कंप्लीट हो गया, यानी कि वो सेकंड टेंपल में भी चली गई, ठीक। अब इसकी बास्केट में x बाय 4 फ्लावर, अब ये थर्ड टेंपल जाएगी, सो यहां पहुंच गई ये थर्ड टेंपल में, और थर्ड मंदिर में, थर्ड टेंपल में उसने क्या किया, इसकी बास्केट में जितना बचा था इसका हाफ चढ़ा दिया, तो फिर से क्या करोगे आप, फिर से x बाय 4 का हाफ करोगे, ठीक। नाउ
हाफ ऑफ एक्स बाय फोर, हाफ करने के लिए क्या करते हैं, वन बाय टू से मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स बाय फोर इंटू वन बाय टू, सो कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वन इज एक्स बाय टू फोर ज़ा एट, यानी कि एक्स बाय एट चला गया। ठीक, तो मंदिर में कितना चढ़ा दिया उसने, एक्स बाय एट। अब सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एट द एंड, यहाँ एरो पे मैं लिख रहा हूँ एंड, एंड का मतलब एट द एंड, आखिरी में, अब तो कोई मंदिर जाएगी नहीं, उसकी बास्केट में अभी भी कुछ फ्लावर्स बच गए, कितने बचे जाएंगे चेक करो, ये इसकी बास्केट है, तीन मंदिर जाना था, तीनों मंदिर कंप्लीट हो गया उसके, ठीक है ना, x बाय फोर में से x बाय एट चला गया, यानी कि x बाय फोर का आधा हाफ चला गया, तो हाफ ही तो बचेगा, यानी कि x बाय फोर का हाफ कर दो वही बचेगा आपके पास। ठीक, x बाय फोर का हाफ कितना होता है, x बाय फोर का हाफ x बाय एट, यानी कि इसकी बास्केट में x बाय एट फ्लावर्स बचे हुए हैं। सुनिए ध्यान से, एट द एंड, यहाँ पे हम एरो पे लिख देते हैं, एट द एंड इसकी बास्केट में कितने फ्लावर्स बचे हैं, x बाय एट। अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं, अगर आपको निकाल के दिखाना है तो आप निकाल के दिखा दो, कैसे आप फाइंड करके दिखाओगे, सुनो, x बाय फोर थे, x बाय फोर में से x बाय एट चले गए, कितने बचेंगे, तो माइनस करके दिखा दीजिए आप, कहाँ पे दिखाऊं मैं आपको। और राधा के पास स्टार्टिंग में x फ्लावर्स थे, ये हमने माना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा था आपसे कि x बाय फोर में से x बाय एट चले गए, है ना, तो रिमेनिंग फ्लावर कितने हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप मतलब थर्ड मंदिर जाने के बाद, आफ्टर गोइंग, आफ्टर गोइंग टू द थर्ड टेम्पल, टू द थर्ड टेम्पल, रिमेनिंग फ्लावर, रिमेनिंग फ्लावर्स एट द एंड, एट द एंड कितने हो जाएंगे, x बाय फोर इसकी बास्केट में थे और x बाय फोर में से हम क्या करेंगे, x बाय फोर का हाफ, यानी कि x बाय एट माइनस कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा चेक कर लो, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाता है, 8, 8 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू एक्स x, ठीक कितना आ जाएगा चेक कर लो, 2x माइनस x कितना होता है x, सो कितना आ गया x बाय 8। तो इस तरीके से ही मैंने आपको बताया था एट द एंड इसकी बास्केट में कितने फ्लावर बचेंगे, x बाय 8। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ शी इज लेफ्ट विथ थ्री फ्लावर्स एट द एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शी हैज लेफ्ट थ्री फ्लावर्स एट द एंड, मतलब उसकी बास्केट में कितने फ्लावर्स बचे हैं, थ्री हैं, ये क्वेश्चन में बोला है, ध्यान सुनो, इसकी बास्केट में कितने फ्लावर्स बचे हैं, थ्री फ्लावर्स बचे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्री फ्लावर्स बचे हैं, ये गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। और सुनो, एक तो क्वेश्चन में दिया है कि इसके पास थ्री फ्लावर्स हैं, और एक तो आपने निकाला है कि एट द एंड इसके पास कितने फ्लावर है, बताइए एट द एंड इसके पास कितने फ्लावर्स हैं, एक्स बाय एट, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, भाई क्वेश्चन में बोला कि एट द एंड एक्स फ्लावर्स बचे हैं, सॉरी क्वेश्चन में बोला एट द एंड थ्री फ्लावर्स बचे, और हमने भी तो निकाला है कि एट द एंड एक्स बाय एट फ्लावर्स बचे, हमने एक्स के टर्म्स में निकाला है, उन्होंने हमें प्योर नंबर दे दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, सुनो, एक्स बाय एट इज इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खुद दिमाग लगाइए बच्चों, इक्वेशन कैसे बनाई हमने, एक्स बाय एट क्या है, उसके बास्केट में जो फ्लावर्स बचे हैं एंड में हमने निकाला है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में भी तो बोला है कि एंड में कितने फ्लावर्स हैं, थ्री हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है एक तरीके से, दोनों एंड में कितने फ्लावर्स बचे हैं उनकी संख्या है, ये क्या है नंबर ऑफ फ्लावर्स एट द एंड, ये भी क्या है नंबर ऑफ फ्लावर्स एट द एंड, तो इक्वेट कर दो दोनों को, इक्वल कर दो, ठीक है ना। सो इस तरीके से x बाय एट इज इक्वल्स टू थ्री, और यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल्स टू एट, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि थ्री इंटू एट कितना आ जाएगा बच्चों, थ्री एट सा कितना होता है 24, सो 24 फ्लावर्स। इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में उसके पास कितने फ्लावर वो अपने घर से लेके चली होगी, ठीक है ना, तो फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स शी हैड इन द बिगिनिंग, तो हम आंसर लिखेंगे कॉपी में, शी हैड 24 फ्लावर्स इन द बिगिनिंग, शी हैड 24 फ्लावर्स इन द बिगिनिंग। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्लास 8 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन में बोलता है रुपीज 13,500 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सलमा, किरण एंड जेनिफर। ओके, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे थ्री गर्ल्स हैं और इन तीनों गर्ल्स में रुपीज 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, है ना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबने बांट दिया, इक्वली नहीं बांटा है, इक्वली नहीं बांटा है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि सबको इक्वल मिला है। सुनिए ध्यान से,
हमारे पास टोटल कितना रुपीज़ था, रुपीज़ 13,500, ये टोटल रुपीज़ था, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ अमाउंट गया सलमा को, ठीक है भाई, कुछ अमाउंट मिला किसको, सलमा को, और कुछ अमाउंट मिला किरण को, ठीक है ना, कुछ अमाउंट मिला किसको, किरण को, और कुछ अमाउंट मिला किसको, जेनिफर को, ओके स्टूडेंट्स। तो कुछ अमाउंट मिला जेनिफर को, ये थ्री गर्ल्स हैं और इनमें कुछ अमाउंट इसको मिला, कुछ इसको, टोटल कितना था 13,500, ठीक है। अब सुनिए आगे कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, क्या कंडीशन है, कह रहा है इन सच अ वे दैट सलमा गेट्स रुपीज 1,000 मोर देन किरण, ध्यान से सुनिए, सलमा गेट्स रुपीज 1,000 मोर देन किरण, यानी कि सलमा को कितना मिला होगा, ध्यान से सुनिए बच्चों, सलमा को मनी विच सलमा रिसीव्ड, ध्यान से सुनिए, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, है ना, सिंपल तरीके से देखो, सलमा को जो रुपीस मिले होंगे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, उसने हमको बोला क्या कि सलमा गेट्स रुपीस 1,000 मोर देन किरण, मतलब समझो किरण को जितना मिला होगा ना उससे 1,000 मोर का मतलब ऐड करना, तो ध्यान सुनो, किरण को जितना भी अमाउंट मिला होगा ना, किरण को जितना भी अमाउंट मिला होगा उसमें अगर आप 1,000 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, तो आपको सलमा का अमाउंट पता चल जाएगा, बहुत ईजी है, पढ़ लो क्वेश्चन बच्चों, यही तो कह रहा है सलमा गेट्स रुपीज 1,000 मोर देन किरण, मतलब किरण को जितना अमाउंट मिलता है ना उसमें अगर आप 1,000 मोर कर दोगे, मोर मतलब ऐड कर दोगे ना, तो सलमा का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है एंड जेनिफर गेट्स 500 मोर देन किरण, एंड जेनिफर गेट्स रुपीज 500 मोर देन किरण, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो जेनिफर है, ठीक है ना, जेनिफर जो है उसको 500 रुपीज मोर मिलता है किससे, किरण से, ओके, सो जेनिफर गेट्स 500 रुपीज मोर देन किरण, मतलब किरण को जितना मिलता होगा उसमें अगर आप, किरण को जितना अमाउंट मिलता है उसमें अगर आप 500 रुपीज ऐड कर दोगे तो जेनिफर का अमाउंट आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय जेनिफर, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि जेनिफर को कितना अमाउंट मिला, ये हमें बताना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो सलमा को कितना अमाउंट मिला ये बात इस बात पे डिपेंड कर रही है कि किरण को कितना मिला, क्योंकि भाई खुद सोचो ना, जब आपको पता चल जाएगा किरण को कितना अमाउंट मिला तो उसमें तो आप 1,000 ऐड करोगे तभी तो सलमा को कितना मिला पता चलेगा ना। इसी तरीके से जेनिफर को जो अमाउंट मिला है वो आपको तब पता चलेगा जब किरण का अमाउंट पता चलेगा, किरण के अमाउंट में अगर आप 500 ऐड करोगे जेनिफर का मिलेगा, कहने का मतलब ये इस क्वेश्चन में कि सलमा को मिलने वाला अमाउंट भी किरण पे डिपेंड कर रहा है, जेनिफर को मिलने वाला अमाउंट भी किरण पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन में जो अजम्पशन करना है वो, मतलब जो वेरिएबल अज्यूम करेंगे ना एक्स, वो किरण के लिए अज्यूम करेंगे, क्योंकि किरण पे ही दोनों डिपेंड कर रहे हैं, सलमा भी किरण पे डिपेंड करती है, जेनिफर भी किरण पे डिपेंड करती है, तो हम ये मान लेते हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये मान लेते हैं कि किरण को एक्स रुपीज मिलता है, कितना एक्स, सो लेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय किरण बी एक्स रुपीज, बी रुपीज एक्स, ऐसे लिखो बी, थोड़ी जगह का मैं एडजस्ट करेगा, बी रुपीज एक्स, मेरी बात ध्यान सुनिए, हमने माना कि किरण को कितना मिलता है एक्स रुपए, सही है, ध्यान सुनो, तो यहां से देखिए हमने अज्यूम किया कि भाई किरण को कितना मिलता है रुपीज एक्स, ये आपने अज्यूम कर लिया। अब अगर किरण को एक्स रुपीज मिलता है तो ध्यान से चेक करो सलमा को कितना मिलेगा, सलमा को कितना मिलेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किरण को कितना मिलता था एक्स, तो किरण को जो अमाउंट मिला यहां पे हम क्या लिखेंगे एक्स, यानी कि किरण के अमाउंट में अगर आप 1,000 ऐड कर दोगे, एक्स क्या है किरण का अमाउंट, इसमें 1,000 ऐड करोगे तो क्या होगा सलमा का अमाउंट आ जाएगा, सही है ना, यानी कि सलमा को कितना मिलता है, सलमा को मिलता है रुपीज एक्स प्लस 1,000, ओके। सिमिलरली बच्चों चेक कर लो जेनिफर को कितना मिलेगा, चेक कर लो, किरण के अमाउंट में आपको 500 ऐड करना पड़ेगा और किरण के अमाउंट को हमने क्या माना है एक्स माना है, सो किरण का अमाउंट एक्स रुपीस है और इसमें हम क्या करेंगे 500 ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा क्या जेनिफर का अमाउंट, तो स्टूडेंट्स जेनिफर का अमाउंट कितना हो जाएगा रुपीस एक्स प्लस 500, कितना हो जाएगा रुपीस एक्स प्लस 500। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से,
ठीक है ना। देखो हमने किरण के अमाउंट को ही एक्स इसलिए माना है क्योंकि सलमा का अमाउंट तभी पता चलेगा जब किरण का, भाई सलमा का अमाउंट किरण पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है। जेनिफर का भी किरण पे डिपेंड कर रहा है, तो जिसके ऊपर डिपेंड करता है ना उसको एक्स मान लो ना, तो जेनिफर का पता चल जाएगा, किरण का पता चल जाएगा, सही ना। अब बहुत ईजी हो गया, चेक कर लो ये रुपीज रुपीज यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, यूनिट रुपीज में चल रहा है वो तो आपको पता ही है। किरण को कितना मिला एक्स रुपए, जेनिफर को कितना मिला एक्स प्लस 500, सलमा को कितना मिला एक्स प्लस 1000। अब तो बहुत इजी हो गया बच्चों, अगर हम सलमा का अमाउंट, किरण का अमाउंट और जेनिफर का अमाउंट अगर ऐड कर दें, सबको अगर ऐड कर दें, तो वो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा 13,500 के, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 13,500। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू में 500 ऐड करोगे तो जेनिफर का अमाउंट पता चल जाएगा, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ध्यान सुनो, सलमा का अमाउंट, भाई सलमा को जितना मिला होगा, प्लस किरण को जितना मिला होगा और प्लस जेनिफर को जितना अमाउंट मिला होगा, ठीक है ना, तो ये तीनों अमाउंट का सम किसके इक्वल हो जाएगा 13,500 के, क्योंकि भाई 13,500 ही तो एग्जैक्टली तीन लड़कियों में बांटा गया है ना, ठीक है ना। अब सुनो, सलमा को कितना मिला x प्लस 1000, तो सलमा के नीचे आप कॉपी करेंगे क्या x प्लस 1000, फिर प्लस लिखा है कॉपी कर दो। किरण को कितना मिला x, ठीक, तो किरण के नीचे x लिखेंगे, प्लस जेनिफर को कितना मिला x प्लस 500, तो जेनिफर के नीचे लिखेंगे x प्लस 500 और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 13,500। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से बहुत इजी हो गया है, ये वाला x और ये वाला x, x प्लस x प्लस x, x को 3 टाइम्स ऐड करोगे कितना आएगा 3x, भाई x प्लस x बेटा 3x होता है, ठीक। सो x प्लस x कितना हो गया 3x और प्लस, अब यहां से मेरे से गलती हो गई, यहां 1000 लिखा है ना, x प्लस 1000, ठीक, मैंने गलती से x प्लस 100 लिख दिया था, x प्लस 1000। नाउ अब ये वाला 1000 आप ऐड करोगे 500 में, 1000 प्लस 500 कितना होता है 1500, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को हैंडल कर लिया, इज इक्वल्स टू में क्या बचा है 13,500। ओके नाउ अब करना कुछ नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे और लिखते जाओ, और जब इक्वेशन को सॉल्व करते तो OR और लिखते हैं, और का मतलब इस स्टेटमेंट को या तो हम ऐसा लिखें या तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। नाउ प्लस 1500 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा 13,500, और ये प्लस 1500 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 1500 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, प्लस का साइन है ना, राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो जाएगा 3x is equals to, अब ध्यान दें बच्चों 13,500 में से आप 1500 माइनस कर दीजिए, जिनको नहीं आता है आप साइड में कर लो, पर क्वेश्चन गलत मत कर देना, 13,500 माइनस 1500, ठीक। तो 1500 को लिखने का स्टाइल ऐसे, ये देखिए माइनस करिए, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, ये वाला 1 कॉपी कर देंगे, कितना आ गया 12,000 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 13,500 माइनस 1500 12,000 आ गया, ओके। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 3x is equals to 12,000, ओके स्टूडेंट्स। अब ये तो बच्चा सॉल्व कर लेगा इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत है नहीं, कितना आ रहा है 3x is equals to 12,000 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, सो x is equals to 12,000 by 3, है ना भाई, 3 मल्टीप्लाई है बेटा, उधर जाके डिवाइड करेगा ना, 3 वनजा 3 होता है, ठीक, ध्यान से चेक करेंगे, 3 फोरजा तो 12 होता है, और 1 2 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, 4000 बाय 1 कितना आ जाएगा 4000, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4000, ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई 4000, यानी कि किरण को कितना मिला, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं है उसने, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, किरण को 4000 रुपीज़ मिला, और सलमा को कितना मिला x प्लस 1000, x की वैल्यू 4000 प्लस 1000 5000 सलमा को मिला, 4000 किरण को मिला, लेकिन उसने हमसे पूछा जेनिफर को, तो हम जेनिफर का निकाल देते हैं, बस जो क्वेश्चन में पूछा है वही तो निकालेंगे ना, तो जेनिफर को कितना मिलेगा चेक करो, x का वैल्यू प्लस 500, x कितना है बच्चों 4000, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 4000 और प्लस 500, कितना हो जाएगा 4000 प्लस 500 4500 होता है कि नहीं होता है, ठीक। सो कितना आ गया रुपीज 4500। अब हम अपनी कॉपी में आंसर लिखेंगे क्या, कि अमाउंट रिसीव्ड बाय जेनिफर इज रुपीज 4500,
ओके जेनिफर को रुपीज 4500 मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 81 हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन शायद आपको परेशान कर रहा होगा, मैं बहुत आसानी से आपको बताता हूँ। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर। ध्यान से सुनिए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर। सुनने से क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि भाई टू टैंक्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पे टू टैंक्स बना लीजिए बच्चों डायग्राम में, ये देखिए इस तरीके से। ध्यान से सुनिए, डायग्राम बनाओगे तभी ये क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ये हमने बनाया बच्चों टैंक, ठीक, और एक टैंक हमने यहां पे इस तरीके से बना दिया। सिलेंड्रिकल टैंक है, कोई बात नहीं है, कैसा भी टैंक बना लो। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर। ठीक, तो ये फर्स्ट टैंक है और ये अदर वाला टैंक है। अदर मतलब सेकेंड वाला टैंक है, ये अदर वाला टैंक है और ये फर्स्ट वाला टैंक है। ठीक, तो उसने क्या बोला, उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन अ टैंक इज ट्वाइस ऑफ दैट इन द अदर, यानी कि अदर वाला जो टैंक है ना, अगर इसमें x लीटर वाटर है, कितना है x लीटर। भाई वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हो बेटा, इतना तो पता होगा ना, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर्स होता है। ठीक, हालांकि मीटर क्यूब भी होता है, लेकिन यहां पर हम लिक्विड को मेजर कर रहे हैं, लिक्विड का वॉल्यूम, तो हम इसको लीटर्स में लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया भी है, फिर ड्रॉ 25 लीटर, तो वहां से हिंट मिल गया कि लीटर में लेना है। ध्यान सुनो, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई जो अदर वाला टैंक है ना, यानी कि इसको आप फर्स्ट बोल दो और इसको आप सेकेंड टैंक बोल दो। ठीक, तो जो सेकेंड वाला टैंक है, सपोज इसमें एक्स लीटर पानी है, कितना है एक्स लीटर। तो सपोज ये देखिए, अभी इसमें कितना पानी है बच्चों, x लीटर वाटर है। ठीक, तो एक बात बताइए, अगर इसमें x लीटर है तो इसमें कितना होगा 2x, ट्वाइस का क्या मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ही तो आएगा। चेक कर लो, x को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, तो ये वाला जो फर्स्ट टैंक है इसका मतलब इसमें इसका डबल पानी है ना, ट्वाइस है। ठीक, तो इसका डबल कर दो, यहां पे देखो ये देखिए, तो इसमें कितना पानी है, इसमें है, यहां पे लिख दूं, कहां पे लिखूं, यहां पे लिख दूं, ये 2x लीटर। ठीक, ये सिनेरियो चल रहा है। ठीक, अब इन्होंने हमसे क्या बोला, ध्यान से सुनो, इन्होंने बोला, क्वेश्चन आगे बढ़े, इफ वी ड्रॉ आउट 25 लीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड एड इट टू द अदर, अगर हम यहां से 25 लीटर पानी निकाले फर्स्ट वाले से 25 लीटर और इसमें डाल दें सेकंड वाले में, तो क्या होता है, देन द वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर इन ईच टैंक विल बी द सेम। अगर हम यहां से 25 लीटर पानी निकाल के, निकालो ना बॉटल से ऐसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, यहां से अगर हम 25 लीटर पानी निकाल के इस टैंक में डाल देते हैं, ठीक, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो जाता है, यानी कि जितना पानी इसमें होगा उतना ही पानी इसमें हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो भाई, सीधी सी बात है, पानी आप किस में से निकालोगे, अगर हमें दोनों टैंक को बराबर करना है वॉल्यूम वाइज, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है, तो पानी आप कहां से निकालोगे, जवाब है जिस टैंक में ज्यादा पानी वहीं से तो पानी निकालोगे। तो इसमें तो ज्यादा पानी दिख रहा है ना 2x लीटर, तो यहां से 25 लीटर निकालोगे। तो ध्यान से सुनिए, यहां से आपने क्या किया 25 लीटर पानी इसमें डाल दिया। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बात बताइए, न्यू सिनेरियो क्या दिखाई पड़ेगा आपको, न्यू पिक्चर कैसा होगा, न्यू पिक्चर कैसा होगा, ध्यान से सुनो, फिर से वही दोनों टैंक मैंने बनाए, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन जाएगा तो उसको इग्नोर कर देना आप। ये देखिए, अब मेरी बात ध्यान सुनो, एक बात बताओ, इसमें कितना लीटर पानी था 2x में से 25 चला गया तो कितना बचेगा, भाई अगर 2x में से 25 चला गया तो कितना बचेगा, 2x में से 25 क्या कर देंगे माइनस, तो फर्स्ट वाले टैंक में कितना पानी बचेगा 2x माइनस 25। ध्यान से सुनो, अब ये वाले टैंक में कितना पानी बचेगा 2x माइनस 25। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास x है और इसके ये प्योर नंबर है। ठीक, सो फर्स्ट वाले टैंक में 25 माइनस करेंगे ना, 2x में से 25 चला गया, 2x लीटर पानी था पहले उसमें और उसमें से 25 चला गया दूसरे वाले टैंक में, तो फर्स्ट टैंक में 2x माइनस 25 लीटर पानी बचेगा, और सेकेंड वाले टैंक में आप कितना बचेगा, सोचो यहां से 25 लीटर जब आपने निकाला तो भाई सेकेंड वाले ही तो टैंक में गया ना, यानी कि सेकेंड वाले टैंक में जितना भी पानी था कितना था x लीटर, तो x में 25 ऐड कर दो, तो सेकेंड
टैंक में कितना पानी हो जाएगा, पहले कितना था x लीटर, अब 25 पानी एक्स्ट्रा आ गया, 25 लीटर एक्स्ट्रा आ गया, तो x प्लस 25, यानी कि अब न्यू सिनेरियो जो होगा, न्यू पिक्चर जो होगी वो कुछ ऐसी होगी कि सेकंड टैंक में आपके पास कितना पानी होगा, 25 प्लस x लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, पढ़ लो क्वेश्चन, इफ वी ड्रॉ आउट 25 लीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड ऐड इट टू द सेकंड या ऐड इट टू द अदर, द वॉल्यूम्स ऑफ द वाटर इन ईच टैंक विल बी द सेम। दोनों टैंक के वॉल्यूम सेम हो जाते हैं, मतलब पिक्चर में आप इस तरीके से दिखाओगे, भाई जितना इसका वॉल्यूम हो जाता है उतना ही इसका वॉल्यूम हो जाता है, यानी कि बीच में इक्वल लगा दो, दोनों के वॉल्यूम क्या हो गए, इक्वल। ठीक, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस इन न्यू सिनेरियो, यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया 2x माइनस 25 और इसका कितना हो गया 25 प्लस x, या फिर आप x प्लस 25 भी इसको बोल सकते हो ना, देखो x प्लस 25 बोलो बेटा या 25 प्लस x बोलो, बात क्या है, सेम है ना, मर्जी है आपकी, आप कुछ भी लिख दो। तो x पहले से था और इसमें 25 ऐड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया x प्लस 25। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल है कि नहीं, जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें। ठीक, तो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस, दोनों को इक्वल कर दो, बस खत्म, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फिर इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच टैंक, हर एक टैंक में कितना वाटर था ये हमें बताना है। बहुत आसान है, एक्स की वैल्यू निकाल लो तो सेकंड टैंक में कितना पानी पता चल जाएगा, और टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्स्ट टैंक में कितना पानी था वो पता चल जाएगा। ठीक, चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस 25 को हमने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 25, x प्लस 25 पहले से था और माइनस 25 राइट में ट्रांसपोज करोगे तो प्लस 25 हो जाएगा। ठीक, नाउ 2x इज इक्वल्स टू x प्लस, नाउ 25 प्लस 25 कितना होता है 50 होता है, सबको पता है। अब ये वाला जो x है इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, है ना, x के आगे कोई साइन नहीं, जो प्लस मानेंगे लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 50, है ना, प्लस 50 मतलब 50 हो जाएगा। ठीक, नाउ 2x माइनस x कितना होता है x, भाई 2x माइनस x x होता है बेटा। ठीक, तो 2x माइनस x x हो गया इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 50 लीटर्स। ठीक, करिए इतना, फिर मैं आपको बताता हूँ आंसर कैसे लिखना है, नोट करिए फटाफट क्योंकि उधर मैं रब कर दूंगा बच्चों। x का वैल्यू कितना आ गया 50 लीटर्स, करिए फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया, चलिए अब देखिए जरा। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, हम क्या लिखेंगे अब, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम इन द वाटर, वॉल्यूम इन द फर्स्ट टैंक, है ना, वॉल्यूम इन द फर्स्ट टैंक। हाँ भाई बताइए, फर्स्ट टैंक में कितना पानी था इनिशियली, सेकंड वाले का डबल, यानी कि 2x, 2x यानी कि 2 इंटू x, यानी कि 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 50 है, 2 इंटू 50 100 लीटर। ठीक, तो बस ये हो गया आपका, फर्स्ट टैंक में इतना पानी था 100 लीटर, एंड वॉल्यूम इन द सेकंड टैंक, सेकंड टैंक में कितना था सिंपली x था और x की वैल्यू कितनी 50 लीटर्स। ठीक, तो बस वॉल्यूम इन ईच टैंक विल बी 100 लीटर एंड 50 लीटर रेस्पेक्टिवली, इसमें था 100 लीटर और इसमें था कितना 50 लीटर। अब आप चेक कर लो, ये 100 50 का डबल ही तो है, ट्वाइस ही तो है। ठीक, नोट कर लीजिए।